तो देशवासियों, कैसे हैं आप सब। रमज़ान स्टार्ट हो गए हैं, रमज़ान का पहला रोज़ा है, उसका ये वीडियो है, आप देख सकते हैं। हमारे घर में शैतान कैद हो गया है। ये रही टीवी, जिसको बहुत बड़ा शैतान माना जाता है, तो इसको कैद कर दिया है। 1 महीने के लिए टीवी नहीं खुलेगी। आज के चांद रात से जो ये टीवी बंद हुई है, उसके बाद अब नहीं खुलेगी। कल ही अरबाज ने ये टीवी को पैक कर दिया। और तुम भी कर दो, अल्लाह अल्लाह कर दो मरियम, अल्लाह अल्लाह करके बता देना बेटू, इतना प्यारा बच्चा है। मरियम अल्लाह अल्लाह कर दो, मरियम ऐसा कर लो, जा अल्लाह पढ़ लो, जाके दादा पास अल्लाह पढ़ लो, अल्लाह पढ़ लो, अल्लाह सजदा सजदा हो गया। रमज़ान का महीना इबादत का महीना किया जाता है, तो हर घर में इबादत बहुत ज़रूरी होती है और सभी इबादत करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, घर में सब लोग पढ़ रहे हैं और मैं भी पढ़ रही हूँ। और शाम का टाइम हो गया अफ्तारी का, जब तक मैं मम्मी के घर पहुँची तो इन लोगों ने सारा काम कर लिया था। मेरे हिस्से में मैंने बोला कुछ तो दो कुछ तो दो, तो इन लोगों ने मुझे बोला कि आप भी फ्रूट्स काट लो। जैसा कि आप देख रहे हैं, मैं फ्रूट्स काट रही हूँ। अनार काटने का ये नया तरीका मैंने यूट्यूब पर ही देखा था, जो कि आपने वीडियो में देखा, बड़ी आसानी से बड़ी जल्दी जल्दी आम काट जाता है। वो पपीता सब सीधा काटते हैं, मैं पपीता ऐसा काटती हूँ, इससे हाथ गंदे नहीं होते और फैलता ज़्यादा नहीं हो, अच्छे जिस साइज़ के आप पीसेस रखना चाहते हैं वो साइज़ के पीसेस हो जाते हैं। पूरी अफ्तारी के फ्रूट्स मैंने काटे, वीडियो इंशा से रिकॉर्डिंग करवाई क्योंकि ब्लॉग बनाना था, पहला रोज़ा था। उसके बाद निदा आई है कि अभी अपन को किसी को अफ्तारी देनी है, इतनी हो जाएगी। मैंने बोला ठीक है। और उसके बाद खजूर सबसे ज़रूरी होती है, खजूर से ही रोज़ा खोला जाता है, तो खजूर निदा ने निकाल के दी मुझे। और ये देखिए, जो जो अफ्तार में सामान रहता है वो सारा तैयार हो चुका है और अभी सिर्फ 5:30 बजा है। और ये अफ्तारी किसी को देने के लिए रख रखी है। मैं अभी फ्रूट ही काट रही हूँ, पपीता काटने में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगता है। और बैठ के दुआ मांगो अल्लाह मियां से। लगा दो, यावर पकड़ रहे ना, सब फेंक देगी। चलो रखते जाओ, नीचे रखते जाओ। या पता है एक रुको, हम जा रहे हैं समारे, तुम उठो जा रहे ना, मेरे पास बैठना, वहाँ भाभी आ जाओगे ना, दुआ मुआ भी तुम मांगोगे। इंशा पानी रह गया है। आधे घंटे बाद पूरी अफ्तारी जम चुकी है, जैसा कि आप देख रहे हैं। वो पेरला रोज़ा था तो एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा थी, और बहुत सारा सारा हम लोग जैसा कि अफ्तार में बनाते हैं। और इस बार आप पहले रोज़े वाले दिन तो हम लोगों ने पूरा खा लिया, तो खाना खाया ही नहीं, सब ने डायरेक्ट सेरा ही करी। और ये वीडियो अफ्तार में सब बैठ गए, मैंने चुपचाप से बनाई क्योंकि हर बार जबर चिल्लाते वीडियो बनाने के लिए, तो मैंने चुपचाप से ये वीडियो बनाई है। भूरन क्या कर रही बेटा, खाओ भी तो, फेंक ज्यादा रही हो। अब्बा को ट्रे लगा के दी, समायना ने पापड़ पापड़। दाल और चना अफ्तारी में मेरा फेवरेट है, उसके बाद भजी और हरी चटनी फेवरेट है। अफ्तार हो गया है, आप लोग अपना कमेंट में बताइए अफ्तार में आपका सबसे फेवरेट क्या है। उसके बाद अफ्तारी हो गई है, मैं गई थी किचन में देखने के लिए, बहुत सारे बर्तन होंगे पर इन लोगों ने साथ साथ में बर्तन धो लिए, तो बिल्कुल भी बर्तन नहीं बचे। अफ्तार के बाद मेरा सर दुखता है तो मैंने ब्लैक टी बनवाई मदिया से, और उसके बाद मैं ब्लैक टी इंजॉय कर रही हूँ, मेरा सर सही हो गया। उसके बाद हम लोग गए डीमार्ट, थोड़ी सी शॉपिंग करनी थी, और समायरा को निदा मदिया को कुछ बर्थडे गिफ्ट दिलाना था, तो हम लोग उसके लिए डीमार्ट गए। डीमार्ट गए तो भीड़ बहुत ज्यादा थी, पहला दिन था, पहला रोजा था, जल्दी गए थे हम लोग। बहुत वैसे सूट्स नहीं है पूरे कंप्लीट, रेन दो तो फिर अपन वैशाली चलेंगे। शॉपिंग कंप्लीट हो गई थी, उसके बाद निदा की नानी ने हम लोगों के लिए बहुत सारे पापड़ बनवाए थे, होममेड पापड़ चावल वाले, तो उन्होंने फ़ोन करा था कि तुम लोग जब यहाँ से लौटो तो ये चावल के पापड़ लेते हुए जाना। तो हम लोग बहुत ही स्पीड में जा रहे हैं क्योंकि सब बच्चों को छोड़कर आए थे, तो निदा के घर जा रहे हैं, वहाँ पर हम लोग पापड़ लेंगे और उसके बाद फिर घर जाएंगे।
दर्द के घर से पापड़ लेने के बाद अब हम लोग निकल चुके हैं घर के लिए, घर जा रहे हैं। रात काफी हो गई है, 10 बज चुका है और रोड पे देखिए सुनसान कितना ज्यादा लग रहा है। और एक गाड़ी पे हम तीन लोग हैं नेदा मदिया और में। और अब आप देखिए भोपाल की शान, माशाल्लाह ताजिल मसाजिद कितनी खूबसूरत लग रही है रमजान में स्पेशल लाइटिंग के साथ। नेक्स्ट